है जी, मेरे बाप का नाम ज्योतिराम है, 16/70 एकता नगर से रहंदा। मेरा प्रॉपर्टी क्लाइनोजर का काम है, जो रजिस्टर्ड कंपनी है। पिछले मैं 20 साल तो ये कॉलोनियां कट रहे हैं। मेरा डिस्प्यूट चार पार्टियां नाल कोर्ट में डिस्प्यूट चल रहा है, जिसका नाम है शारदा मिश्रा, किरण बाला, बासमती देवी और सुशील ओझा। इनके साथ मेरा कोर्ट में डिस्प्यूट चल रहा है। इन्होंने कुछ बंदे हायर करे हैं, जिसमें एक का नाम है हरिंदर, दूसरा जो मारकूट कर रहा है वो संजय है, जिसकी वेल्डिंग की दुकान है। इसने पैसे लेके वो अपने और साथियों नाल मेरी रेकी करवाई। रेकी करने वाला एक गवांडी है मेरा, जिसका नाम है मुरारी लाल शर्मा, और इसने पहले मेरे CCTV कैमरे सारे वो इसने तोड़े हैं, जिसकी मेरे पर लाइव फुटेज हैगी। उसके बाद इसने मेरे गवांडी मेरे घर का ताला बाहर लगा के दिन के 12 बजे गवांडी के मकान पे पौड़ियां लगा के ऊपर मेरी छत चढ़े हैं। दो बंदे बाहर से गए, दो बंदे अंदर पहुंचे हैं। ऊपर पौड़ियों का दरवाजा तोड़ा है, तो दरवाजा तोड़ के और फिर दूसरा एक दरवाजा है अंदर एंट्री करने वाला, वो दरवाजा तोड़ा गया है। उसके बाद इसने हमारी लाइव कुटाई करी है, जिसके मेरे पास CCTV फुटेज है। मेरे तलवार मेरी मिसरी के दोनों हाथ कटे हुए तलवार से, जिसके हाथ में मारू हथियार फड़े हुए थी, एक तलवार, एक रोड और एक रस्सी, एक छुरा, जो कि वहां पे बाहर से मुझे कोई प्रोडक्शन ना मिल सके। बाहर गेट पे लोग पड़ोसी खड़े रहे, उन्होंने PCR ने फोन कराया तो पुलिस आई है। पुलिस ने आके मतलब जो है इस बंदे को एक को अरेस्ट कराया है। नहीं, पैसे का कोई लेन देन का रोला नहीं, संजय के साथ साटा कोई पैसे का लेन देन का कोई रोला नहीं। अगर उदे कोले कोई है तो सानू रिटर्न दिखा दे। वो कहता है, उसने बहाना बनाया कि मैं 25 लाख रुपया लेना है। 25 लाख अगर कोई आदमी देता है किसी को बगैर रिटर्न के, कोई देता है, कोई प्रूफ भी तो रखता है। जवानी ऐसे कोई किसी को कह दे भी मैं पैसे लेने में कूटूंगा, अगर पैसे लेने भी हैं तो गेट से आए, दरवाजे तोड़ के और तलवार। ये 10 तारीख की घटना है जी, 9 तारीख को CCTV कैमरे को कूटे तोड़े हैं इन्होंने मेरे, और इसमें मेरा गवांडी मुरारी लाल शर्मा, जो कि मेरी रेकी कर रहा है, कैमरे तोड़ते हुए की भी मेरे पास फोटो हैगी, इसमें इनका पूरा सहयोग है। मतलब प्लानिंग करके, प्लानिंग बिल्कुल प्लान करके, अनप्लानिंग तो है ही नहीं है, प्लानिंग करके ही ये काम होया है। क्योंकि 2 दिन पहले से कैमरे तोड़ना, फिर गेट को बाहर ताला लगाना। नहीं, मैं पहले नहीं दी, हफ्ता पहले भी मेरे से वारदात हुई। विनोद फोटो स्टूडियो है राजपुरा कॉलोनी, यहाँ से राजपुरा कॉलोनी बस अड्डे को, वहां पे मार्केट हुई है। उस बंदे का मैं नंबर दे दूंगा, जिसने वहां पे इसको संजय को उसने बुलाया था, उसका नंबर मेरे पास है, वो भी फोटोग्राफर है। मतलब बंदे किराए से करके उन्होंने फोटो मारकूट की थी। हाँ जी, ये किराए का बंदा है। और एक इसमें बासमती देवी, जिसका केस चल रहा है FIR 94, उसका लड़का सामने कागज हमारे से ब्लाइंड साइन करवा के वो लेके गया बाहर से, अंदर से इसने हमारे से ब्लाइंड पेपर साइन करवाया। पुलिस आई थी, पुलिस मौके पे आई थी जी, इन्होंने अरेस्ट कराया है जी, अरेस्ट करके हथियार लेगी बरामद करके। अभी मैंने बयान अभी तक मेरे नहीं हुए, मेरी हालत ठीक है। मेरी दोनों लातां तोड़ी हुई है जी, गोटे दे रॉड लगे हुए हैं और नीले सारे शरीर से निशान है जी, और मेरी दो हड्डियां टूटी हुई है हाथ की। कोई होर भी सीगा तो नहीं, मैं मेरी मिसी जी रहते हैं जी, मेरी बेटी ते मेरा जमाई बाहर रहते हैं।
ਹਮ ਘਰ ਪੇ ਦੋ ਹੀ ਲੋਕ ਰਹਤੇ ਹੈ। ਮੰਗ ਯਹੀ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਭੀ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਨਕਾ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਰਡਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਵੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ ਜਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੇ ਪੇਪਰ ਪੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਏ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸਕਾ ਕੇਸ ਡਿਸਪੂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਬਾਹਰ ਫੜੇ ਹੈ ਪੇਪਰ। ਉਹ ਕੋਰਟ ਮੇ ਸੇ ਬੇ ਸਟਾਮ ਲੈਣੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ 112 ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ PCR ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ASC ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਰਾਊਂਡ ਅਪ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਠੰਡਦਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ 4 FIR ਦਰਜ ਨੇ 420 ਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਉਂਗਾ। ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਇਆ, ਨਾ ਇਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਤੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਜੀ ਜੀ। ਸਰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਜੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖਾਊਗਾ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਠੰਡਦਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੀ ਰੋਕੂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖਾਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦੀ ਜੁਰਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ 452।